हेलो फ्रेंड्स, तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उसको प्रेस करें, फिर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और आपसे भी करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह आरती ले लीजिए और साईं बाबा, गणेश भगवान, सभी भगवान को प्रणाम कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। तो आज है महाशिवरात्रि, ये शिवरात्रि वाले दिन का वीडियो है और उसी दिन से मैंने साईं बाबा का व्रत जो है स्टार्ट किया है। और आप सभी को पता है महाशिवरात्रि है, तो बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही शुभ दिन था। तो मैंने सोचा इसी दिन से क्यों ना साईं बाबा का व्रत जो है मैं स्टार्ट करूँ, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। और मैंने क्यों साईं बाबा का व्रत स्टार्ट किया मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह के 6:10 या 6:20 ऐसे कुछ हो रहे हैं और हमारा पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग सब कोई जो है ना, जितने भी जा रहे हैं सब साईं बाबा का व्रत करते हैं। तो वो भी कहाँ करते हैं मैं अगले वीडियो में आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, अगले थर्सडे वाला वीडियो जो आएगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं साईं मंदिर। और फ्रेंड्स, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ हमारे यहाँ का साईं मंदिर, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने मुझसे अभी नए जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखिए आ चुके हैं मंदिर में। यह मंदिर है साईं बाबा का और अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तो देख सकते हो मंदिर की धुलाई, मतलब साफ़ सफाई चल रही है। तो उसी टाइम हम लोग आ चुके थे और यहाँ पर देखिए हम लोग दिया, धूप, अगरबत्ती सब कुछ अभी जो है भगवान को मॉर्निंग मॉर्निंग में अर्पण करेंगे और उनसे हमारा जो मन्नत है वो मांगेंगे पूरा करने के लिए, उनसे कहेंगे और पूजा वगैरह करेंगे मॉर्निंग में। और उनका अभी ड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं, उनका स्नान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग मॉर्निंग की सुबह सुबह ही आ जाते हैं, अभी मंदिर की धुलाई वगैरह साफ़ सफाई चल रही है। और ये मेरी सिस्टर सारा जो वीडियो है ना, मेरी सिस्टर बना रही थी। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो दिया बाती हम लोग सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद आंटी रोज़ लाई थी, तो मैं एक ही रोज़ मंगवाई थी, तो घर में मैंने दे दिया था। तो मुझे नहीं था पता था कि हम लोग मंदिर आएंगे, तो फिर आंटी ने कहा कि नहीं मंदिर जाना है, तो इसी वजह से मैं उनके साथ आ गई। और इसलिए मेरे पास एक ही रोज़ था, मैंने घर में साईं बाबा को अर्पण कर दिया। तो आंटी लेके आई थी, तो कोई भी अर्पण करे एक ही बात है, कोई बात नहीं उसमें। और भक्ति भाव होना तो सब कुछ माफ़ है भगवान के दरबार में और साईं बाबा के दरबार में, जो भी बोलिए। और आज शिवरात्र, महाशिवरात्र है, तो शिवरात्र का जो ब्लॉग है ना, मैं कहाँ कौन से मंदिर गई थी वो सब मैं दूसरे वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगी। और आपको पता है फ्रेंड्स, अभी ना आज रात भर हम जगेंगे और दिन भर, फिर दूसरे दिन शिवरात्र के दूसरे दिन भी हम लोग दिन भर जगेंगे और रात को हम लोग स्टार देखेंगे, यानी तारा देखने के बाद ही हम लोग सोएंगे। तो उससे क्या होता है ना, आप जो मन्नत मांगते हो वो आपका पूरा होता है। अभी जो है ना, मैं दिया बाती ये सब जलाने के बाद फिर मैं काली माँ के पास भी अगरबत्ती वगैरह दिखा दूँगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, तो मुझे पता नहीं था क्या क्या लिया जाता है, तो अगली बार से मैं अच्छे से और थाल सजा के लाऊँगी। और फिर उसके बगल में जो है ना, सब शिव जी का मंदिर है, मतलब भोले बाबा का, तो वहाँ पर भी जाके बस दर्शन कर लूँगी। क्योंकि ये जो शिवरात्र का पूजा होता है ना, ये इवनिंग पूजा होता है, यानी शाम को पूजा होता है। तो मैं किस मंदिर में गई थी, कहाँ गई थी, वो सब मैं दूसरे वीडियो में आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी थोड़ा सा क्या ना, मैं रात भर जगी थी, तो मतलब दो दिनों तक मैंने अच्छे से सोया, तो मैं इसीलिए वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, तो इसी वजह से आप लोग से शेयर नहीं कर पा रही थी। और देखिए साईं बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अभी आंटी लोग पूजा कर रही है, मेरा पूजा हो चुका है और मैं वीडियो बना रही थी। और ये जो खड़े हैं ना वहाँ पे, वही सारा जो साईं भगवान का, बाबा का देख रेख सब कुछ वही करते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई, खाना, पूजा, भोग जो भी वही करते हैं। और यहाँ पे थर्सडे को किस तरह से भोग बनाया जाता, शाम को किस तरह से पूजा किया जाता, वो सब मैं आपको दूसरे जो शिवरात्रि वाला ब्लॉग है ना, मतलब सी भोले बाबा का जो मैं पूजा करने के लिए मंदिर गई थी, वो सब के साथ ही आप लोग से वो शेयर करूँगी। तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए, मैं अभी भोले बाबा के मंदिर आई थी, थोड़ा सा माथा वगैरह टेक लिया, बस हनुमान जी के पास माथा वगैरह टेक लूँगी। अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो चलिए मैं आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। ना फ्रेंड्स, लोग रहते हैं ना, बात करने में एकदम अच्छा नहीं लगता, मतलब गजब टाइप का लगता है कि हमें क्या, कोई सोचेगा कि ये क्या कर रही है। तो आप सभी को पता ही होगा, जो जो ब्लॉग्स बनाते हैं ना उनको अच्छी तरह से पता होगा। तो मैं खाली देख के फिर आप लोग से बात करूँगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है थर्सडे, सो शिवरात्र है, तो हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। और अभी हम लोग आए थे साईं मंदिर, तो आप लोग से बात करने का टाइम नहीं मिला, तो अभी बात कर रही हूँ।
तो कैसे हो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। तो देखिए हम लोग सब आए थे मिलके, तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर। तो चलिए आज का दिन भर का जो जो मैं करूँगी आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, तो फिर मिलते हो आप लोग को थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स हम लोग जिस रास्ते से घर जा रहे थे ना, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दे। और यहाँ पे देखिए आम के कितने सारे फूल आए हैं, और हम लोग बोल बोलते हैं बोल, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे देखिए कितना सारा पानी गिर रहा है, और अभी जो है हम लोग थोड़ा सा आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रही हूँ। और आज ना सुबह उठते उठते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी फ्रेंड्स, मतलब 4 बजे उठना चाहिए तो 4:30 ऐसे कुछ टाइम हो गया था। फिर मैंने हड़बड़ करके पूजा किया, इसीलिए कोई पूजा आप लोग से मैंने शूट नहीं किया है। और आज फाइनली मैंने साईं पूजा का व्रत जो है स्टार्ट किया है, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे देखिए शिवरात्रि के लिए लोग फूल चोरी कर रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हम लोग ना सुबह सुबह फूल, मतलब हम लोग जब तक जब गए ना उस टाइम तोड़ लेना चाहिए था, तो आए तब तक सब कोई अच्छे अच्छे जो फूल थे वो सब तोड़ लिए थे, तो कुछ थोड़ा मोड़ा बचा था तो हम लोगों ने तोड़ा। और ये देखिए ये वाला जो फूल होता है ना वो भोले बाबा का सबसे प्रिय फूल होता है, तो मैं जब घर गई ना मुझे बहुत खुशी हुई कि पापा ने बहुत सारे ये फूल लाए थे, तो मैंने उनसे एक माला बनाया, और वो माला मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बाजार में वो माला 20 रुपीज़ का आ रहा था, तो मैंने घर पे ही बना लिया था, मेरा बहुत ही सुंदर माला बना था। और ख़ुद के मेहनत से माला बना के भगवान को अर्पण करो ना तो वो बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ रही हूँ फूल, और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। मेरे पास साड़ी कलेक्शन उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ साड़ी, मेन बात है, और ड्रेस वगैरह थोड़ा लेती हूँ। और ये देखिए हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में ये आम का पौधा था, सॉरी पेड़ था, कितने छोटे छोटे आम थे, बहुत सारे आम थे, बहुत सारे। अब तो हम लोग हर गुरुवार को आएंगे ही, तो आप लोग से ज़रूर दिखाऊंगी ये कितने बड़े होते होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हो हम घर आ चुके हैं, और आते ही थोड़ी देर हम लोगों ने हम बैठे, फिर जब पानी चालू हो गया तो मुझे व्रत के लिए अच्छा अच्छा पानी लाना था, तो मैं पानी लेके आई। और फिर देखिए हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से, थोड़ी देर बाद मतलब आई तो थोड़ा सा बैठा, और फिर अभी जो है मतलब पानी वगैरह भरा है पीने के लिए, और बना रही हूँ भोग। और भोग में देखिए मैंने ऑलरेडी घर में आज जब पूजा हो रहा है तो अरवा चावल का खाना, मेरी फ्रेंड्स मैंने चावल बना लिया है, अरवा चावल मेरे हस्बैंड लोग खाएंगे, तो मैं ये बना रही हूँ साईं बाबा के लिए खिचड़ा का भोग। तो उसके लिए मैंने लिया है घी 1 चम्मच, उसमें काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ये सब का मैंने फ्राई कर दिया, और फिर उसमें एक टमाटर डाल दिया, थोड़े से काजू किशमिश डाले, थोड़ा सा आलू, दाल, 1 कप दाल है मेरा, आधा कप चावल है, बस मैं भगवान के लिए खिचड़ा बना रही हूँ, बस ये सब, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो इसे हम लोग के लिए बनाते हैं उसी प्रकार से प्याज भी डलाता है भगवान के भोग में, मैंने किसी वीडियो पे देखा था, मुझे भी नहीं पता उतनी अच्छी तरह से। और मुझे लेकिन हम लोग अपने मंदिर में लहसुन प्याज वाला भोग नहीं चढ़ाते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया, प्याज ऐड नहीं किया है, तो मैं बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ ये वाला भोग। तो बस हो गया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और पानी डाल देंगे, और 9 गार्लिक और मतलब 9 अनियन 9 गार्लिक वाला एक जो मसाला आता है ना वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बस हो गया हमारा खिचड़ा, तो थोड़ा सा मैं इसमें अदरक को डाल दे रही हूँ कद्दूकस करके, मैंने नहीं डाला था, इसे मुझे घी में डालना चाहिए, बट मैं ऊपर से डाल रही हूँ, और भगवान के लिए भोग बन रहा है ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा चीनी डाल देंगे क्योंकि भोग है तो थोड़ा मीठा होना ही चाहिए, इसीलिए वो आपके अकॉर्डिंग, आप चीनी डालना चाहो तो डालो या फिर नहीं। और ये देखिए बन के रेडी हो जाएगा अभी थोड़ी ही देर में, 10-15 मिनट लगेंगे। एक कटोरे में पानी रख के उसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा सा गैस मीडियम फ्लेम में रख देंगे तो बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है हमारा खिचड़ा, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने आलू टमाटर की सब्ज़ी, तो इसमें मैंने अदरक ये सब कद्दूकस करके डाला है, और जीरा धनिया, फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, पानी डाल देंगे, बस हो गया हमारा सब्जी। तो पता है फ्रेंड्स मैं क्यों आप लोग से वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, मैं शिवरात्रि के जो हम लोग का उड़िया में होता है ना शिवरात्रि के दिन, जिस दिन हम लोग शिवरात्रि करते हैं उस दिन रात को हम लोग जागरण करते हैं, हम लोग रात भर जो जो व्रत करते हैं वो लोग जागते हैं रात भर, तो मैं रात भर जागी थी, और फिर सुबह भी दिन भर आपको जगना पड़ेगा। अगर आप दिन भर जग के शाम को अगर तारा देखते हो तो आप जो ख्वाहिश भगवान से आपकी जो मन्नत है मांगोगे तो वो पूरा होता है, हमने सुना है, मतलब मेरे पापा लोग भी वैसे ही करते हैं, मेरी आंटी लोग भी वैसे ही करती है, तो मैंने भी
इस तरह से किया तो मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई और दो दिनों तक मैंने ज़्यादा सोया ही। सुबह जल्दी उठ के सारा काम कंप्लीट करके फिर दोपहर में मैं सो जाती थी, तो इसी वजह से मैंने आप लोग से कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाया। वो उस कढ़ाई पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा था इसीलिए मैंने इस कढ़ाई पे डाल दिया। अब बनाऊँगी मैं पूड़ी। हो गया है पूजा का टाइम, तो मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और साड़ी मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि ये वाला जो येलो और रेड में है ना, इसमें साईं बाबा को पूजा करना चाहिए। या फिर आपके पास वाइट साड़ी हो तो वाइट में करो, या फिर इस तरह की साड़ी है तो पीला या फिर रेड बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी हो पूजा करना है तो येलो रेड ऑरेंज वाइट ये सब में अगर पूजा करते हो ना तो बहुत शुभ माना जाता है इसी वजह से। और ये भाई वीडियो बना रहा था और ये लोग मेरी सिस्टर लोग आई थी देखने के लिए कि दीदी ने क्या क्या प्रिपरेशन किया है। तो बस देखिए मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ, अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो सारे पूड़िया को मैं एक एक करके तल लेती हूँ और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाए हैं भोग में। और कुकर में इसलिए मैंने दाल चढ़ाई क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है, मैंने 12 बजने चला, 12 भी नहीं बजा, 11:30 बजे, 12 बजे भोग लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना मेरे हस्बैंड आ जाएंगे इसीलिए। और देखिए मैंने बनाए हैं चने आलू की सब्जी, खिचड़ा और पूड़ी, और बनाई है मैंने दही बैगन। भगवान को दही चढ़ता है दोपहर में साईं बाबा को, तो थोड़ा सा दही बैगन भी मैंने बना लिया। ये देखिए 12 बज चुके हैं और यहाँ पे देखिए मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ, देख सकते हो आप। और ये देखिए शिव बाबा को भी मैंने जो नीचे स्थापना की थी घी का दिया जलाया है, और रात को शाम को जो है बड़ा घी का दिया जलाऊंगी। हम लोग में इसी तरह से होता है, वो दिया रात भर जलेगा और हम लोग भी जागरण करेंगे रात भर। तो बस वही जो है अभी देखिए पहले कलश की पूजा करूँगी, फिर गणेश भगवान की, फिर साईं राम जी की, और उसके बाद जो है भोग वगैरह जो मैंने बनाए हैं वो सब लगाऊंगी भोग में। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं अगरबत्ती वगैरह दिखाने के पहले ही मैंने भोग वगैरह सब रेडी करके रख दिया है। तो मैंने गणेश भगवान को भी भोग लगाया, लड्डू गोपाल जी को भी, साईं बाबा को भी। और देखिए फिर मैं आप लोग से दूसरे वीडियो में मिलूंगी। और ये देखिए मैंने प्रसाद सबको जो बांटना है वो सबके लिए भी रेडी कर चुकी हूँ। कुछ पिक्स हम लोग जब मंदिर गए थे ना लिए थे, तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और शिवरात्रि वाला जो वीडियो मैं सेकंड में आप लोग से शेयर करूँगी, साईं बाबा की आरती मंदिर वाली। तो फिर मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल।